भगवान अलग अलग रूपों में सृष्टि लीला की शुरुआत हो रही है, और देवताओं की प्रार्थना के बाद भगवान स्वयं इस विश्व रूप को चलायमान करते हैं। यद्यपि सारी वस्तुओं का विस्तार हो चुका था, लेकिन वो प्रगतिशील क्रियाशील नहीं थी जब तक भगवान अपनी शक्ति का संचार उसमें नहीं करते हैं। तो जो पूरा विश्व है वास्तव में भगवान का ही रूप है। इस रूप को विश्व रूप बोला जाता है। विश्व रूप मतलब विराट रूप, जिसमें पूरा भौतिक संसार देखा जा सकता है। तो ये भगवान का ही रूप माना गया है। श्लोक संख्या 8 से आगे पढ़ेंगे। एष ही आशेष सत्वानां आत्मां स परमात्मना आद्यो अवतारो यत्रासौ भूतग्रामो विभाव्यते। सविता माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। भगवान का विश्व रूप प्रथम अवतार तथा परमात्मा का स्वांश होता है। व्यासं के जीवों के आत्मा है और उनमें समुचित सृष्टि टिकी रहती है, जो इस तरह फलती फूलती है। तो परमात्मा से अभिप्राय यहाँ पर क्या है? जो शिरोदक्षाय विष्णु है वो सारे अवतार भौतिक संसार में लेते हैं, उनको परमात्मा बोला जाता है। तो भगवान विश्व रूप के रूप में, यानी कि भौतिक प्रकृति के रूप में अपना अवतार लेते हैं। उस प्रकार से सारी जीवों का आश्रय भगवान स्वयं बन जाते हैं, और उन्हीं की शक्ति से ही भौतिक संसार चलायमान रहता है। आयुष प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। आयुष प्रभु अनम्यूट करके पढ़िए। सॉरी, हरे कृष्ण प्रभु। तात्पर्य, परमेश्वर दो प्रकार से अपना विस्तार करते हैं, आत्म स्वांश द्वारा तथा विभक्त सूक्ष्म स्वांश द्वारा। आत्म स्वांश विष्णु तत्व है तथा विभक्त अंश जीव है। चूंकि जीव अत्यंत लघु है, अतएव कभी कभी उन्हें शिव भगवान की तटस्थ शक्ति कहा जाता है, किंतु योगी जन जीवों तथा परमात्मा को एक ही मानते हैं। पर यह विवाद का बहुत नगण्य बिंदु है। अंततः कुल मिलाकर प्रत्येक वस्तु शिव भगवान के विराट रूप या विश्व रूप पर ही टिकी रहती है। हरे कृष्ण। आत्मस्वांश, आत्मा नहीं, आत्मस्वांश मतलब स्वयं के जो अवतार हैं उनको विष्णु तत्व बोला जाता है। और विभक्त अंश मतलब विभिन्न अंश, जो भगवान के थोड़े मतलब माइन्यूट जो अणु अणु रूप से जो अंश हैं वो जीव कहलाते हैं। लेकिन कई जो आध्यात्मवादी हैं वो बोलते हैं नहीं, दोनों ही आध्यात्मिक हैं इसलिए दोनों बराबर हैं। ऐसा नहीं है। ऊपर सरल उदाहरण देते हैं, जैसे कि सोने की पूरी खदान है और एक सोने का थोड़ा सा टुकड़ा है, वो क्वालिटी में तो एक ही है, गुणों में एक ही है, लेकिन क्वांटिटी में अलग अलग है। तो भगवान विभू है, हम अणु हैं, ये अंतर है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भगवान का सब वस्तुओं में विस्तार है, भौतिक प्रकृति भी भगवान का विस्तार है, लेकिन भगवान के बराबर हम उनको विस्तारों को नहीं रख सकते। साध्यात्मा सदैश वश्च साधि भूता इति त्रिधा विराट प्राणो दशविधा एकदा हृदयेन च। प्रमोदानंद प्रभु जी पढ़िए। विश्व रूप 3, 10 तथा 1 के द्वारा इस अर्थ में प्रस्तुत होता है कि हे वे भगवान शरीर तथा मन और इंद्रिय हैं। वे ही 10 प्रकार की जीव शक्ति द्वारा समस्त गतियों की गत्यात्मक शक्ति है, और वे ही एक हृदय है जहाँ जीवन शक्ति सृजित की होती है। हरे कृष्ण धन्यवाद। पिछली कक्षा में देखा था कैसे भगवान 3, 10 और 1 रूप में चेतना का विस्तार करते हैं। 3 रूपों में आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आत्मिक, 10 प्रकार की प्राणवायु और 1 चेतना जो भगवान के साथ एकाकीकार रहे। प्रभुपाद उन्हीं को अभी विस्तार से तात्पर्य में बता रहे हैं। जय माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य,
भगवत गीता में कहा गया है कि आठ तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा मिथ्या अहंकार भगवान की कनिष्ठ शक्ति के उत्पाद हैं। जबकि कनिष्ठ शक्ति का उपभोग करते दिखाई पड़ने वाले जीव मूलतः श्रेष्ठ शक्ति से अर्थात भगवान की अंतरंग शक्ति से संबंधित है। आठों कनिष्ठ शक्तियां स्थूल तथा सूक्ष्म रीति से कार्य करती है, जबकि श्रेष्ठ शक्ति मध्यवर्ती केंद्रीय जनक शक्ति के रूप में कार्य करती है। ऐसा मानव शरीर में अनुभव किया जाता है। स्थूल तत्व पृथ्वी आदि बाह्य स्थूल तत्व का निर्माण करते हैं और ऊपरी वस्त्र कुर्ते के सदृश हैं, जबकि सूक्ष्म मन तथा मिथ्या अहंकार शरीर के भीतरी वस्त्र बनियान की तरह कार्य करते हैं। शरीर की गतियां सर्वप्रथम हृदय से उत्पन्न होती है और शरीर के सारे कार्यकलाप इंद्रियों द्वारा संभव होते हैं, जो शरीर के भीतर 10 प्रकार की वायु द्वारा शक्ति प्राप्त करती है। 10 प्रकार की वायु का वर्णन इस प्रकार है। श्वास लेते समय नाक से प्रविष्ट होने वाली मुख्य वायु प्राण कहलाती है। जो वायु गुदा से बाहर निकलती है वह अपान कहलाती है। जो वायु उदर के भीतर भोजन को ठीक करती है और जो कभी कभी डकार के रूप में निकलती है समान कहलाती है। जो वायु गले से होकर जाती है और जिसके रुकने से दम घुटता है वह उदान वायु कहलाती है। जो संपूर्ण वायु पूरे शरीर में चक्कर लगाती है वह व्यान वायु कहलाती है। इन पांचों वायुओं में सूक्ष्म अन्य वायु है। जो वायु आंखों के और मुख के खुलने से सहायक बनती है वह नाग वायु कहलाती है। जो वायु भूख को बढ़ाती है कूकर वायु कहलाती है। जो वायु संकुचन में सहायक होती है वह कूर्म वायु कहलाती है। जो वायु अंगड़ाई लेते समय मुख को फैलाकर विश्राम देती है वह देवदत्त कहलाती है। और जो वायु संपोषण में सहायक बनती है वह धनंजय वायु कहलाती है। ये सारी वायु हृदय के मध्य से उत्पन्न होती है और हृदय केवल एक है। यह मध्यवर्ती शक्ति भगवान की श्रेष्ठ शक्ति है जो हृदय के भीतर शरीर के आत्मा के साथ आसीन है, जो भगवान के मार्गदर्शन में कार्य करती है। इसकी व्याख्या भगवद गीता में इस प्रकार हुई है। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मतः स्मृति ज्ञान पमोहनम च वेदेश सर्वे हरमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम संपूर्ण मध्य। तो यहाँ पर बताया जा रहा है किस प्रकार भगवान गीता में जो अष्ट प्रकार के भौतिक पदार्थ बताते हैं, जैसे पंच महाभूत, मन, बुद्धि, अहंकार, तो ये सबसे बड़े है आत्मा, क्योंकि आत्मा आध्यात्मिक स्फुलिंग है। लेकिन उस आत्मा का भौतिक शरीर में रहना संभव होता है चेतना के माध्यम से। अभी वो चेतना अलग अलग प्रकार से हम समझ सकते हैं। तो यहाँ पहले चेतना को बताया गया है कि 10 प्रकार की प्राण वायु चेतना के माध्यम से शरीर को चलायमान रखती है। ये 10 प्रकार के वायुओं का वर्णन प्रभुपाद ने विस्तार से किया है। अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग वायु का काम होता है, जैसे हम सांस लेते हैं प्राण वायु है, इत्यादि इत्यादि। तो ये सारी वायुओं के कार्य से जैसे शरीर चलता है, उसके हिसाब से आत्मा का सूचक हम शरीर के अंदर इन वायु के कार्य से समझ सकते हैं। जब आत्मा शरीर को छोड़ देती है तो ये सारी वायु भी अपना कार्य करना बंद कर देती है। तो उस प्रकार से चेतना का सूचक इन वायु के कार्यों से हम देखते हैं। यामिनी माता जी आगे पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। संपूर्ण मध्यवर्ती शक्ति भगवान द्वारा हृदय से उत्पन्न की जाती है, जो वहीं पर स्थित होते हैं और स्मरण करने में बद्ध जीव की सहायता करते हैं। यह बद्ध अवस्था जीव द्वारा भगवान की अधीनता की विस्मृति के कारण है। जो व्यक्ति भगवान को भुलाए रखना चाहते हैं, उसकी भगवान जन्म जन्मांतर भुलवाए रखने में सहायता करते हैं, किंतु जो व्यक्ति भगवत भक्त की संगति के बल पर उनका स्मरण करता है, स्मरण करने पर भगवान उसकी अधिकाधिक सहायता करते हैं। इस तरह बद्ध आत्मा अंतगोत्वा भगवत धाम वापस जा सकता है। भगवान द्वारा दी जाने वाली इस दिव्य सहायता की विधि का वर्णन भगवत गीता में इस प्रकार हुआ है। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रति पूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तं येन मामुपयान्ति ते। मन से परे बुद्धि अर्थात भक्ति द्वारा आत्म साक्षात्कार की बुद्धि योग विधि अकेले ही मनुष्य को विराट सृष्टि में भववर्धन की बद्ध अवस्था से ऊपर ले जा सकती है। जीवन की बद्ध अवस्था उस व्यक्ति जैसी है जो किसी विशाल यांत्रिक व्यवस्था की गहराई में हो।
मानसिक चिंतन अनेकानेक जन्मों के चिंतन के बाद ही बुद्धि योग के बिंदु तक पहुंच सकते हैं, किंतु बुद्धिमान व्यक्ति जो मन के ऊपर बुद्धि स्तर से प्रारंभ करता है, आत्म साक्षात्कार में तीव्र प्रगति करता है, क्योंकि बुद्धि योग में किसी समय भी हास्य या पीछे जाने का किसी प्रकार से भय नहीं रहता। अतएव आत्म साक्षात्कार के लिए यह विश्वसनीय मार्ग है, जिसकी पुष्टि भगवद गीता द्वारा होती है। मानसिक चिंतन एक ही वृक्ष पर बैठे दो पक्षियों को श्वेताश्वर उपनिषद आत्मा तथा परमात्मा के रूप में नहीं समझ पाते। व्यक्ति आत्मा तो वृक्ष का फल खाता है, किंतु दूसरा पक्षी फल न खाकर फल खा रहे पक्षी के कार्यकलापों का अवलोकन करता रहता है। यह साक्षी पक्षी फल खा रहे पक्षी को सकाम कर्म करते रहने में पहुंचाता है। जो व्यक्ति आत्मा तथा परमात्मा या ईश्वर और जीव के इस अंतर को नहीं समझ सकता, वह अब भी विराट यंत्र के पास में है। अतएव उसे उस समय की प्रतीक्षा करनी होगी जब वह इस बंधन से छूट सकेगा। श्री कृष्ण जो हम चेतना का सूचक वायु के क्रियाओं को देख रहे थे, तो इसमें किसी का प्रश्न आ सकता है कि आत्मा क्या इतनी शक्तिशाली है जो इन प्राण वायुओं को चला सके, जो चेतना को चला सके? तो इसका उत्तर है नहीं। आत्मा स्वयं बड़ी ही छोटी है, उसकी सहायता करने के लिए परमात्मा हृदय में वास करते हैं और परमात्मा अपनी शक्ति से चेतना का संचार करते हैं। तो भगवान की कृपा से ही जीवात्मा अपने भौतिक शरीर को भी चलाने में मदद प्राप्त करता है। अब जो भगवान को भूलना चाहते हैं, भगवान उनको विस्मृति प्रदान करके भौतिक शरीर चलाते हैं। जो भगवान को याद करना चाहते हैं, उनको भगवान ददामि बुद्धि योगम तम, बुद्धि दे करके उनकी मदद करते हैं, भक्ति में आगे बढ़ाते हैं। उसी क्रिया को बुद्धि योग बोला जाता है। बुद्धि योग मतलब भक्ति योग। जो लोग भक्ति में लगते हैं, भगवान की कृपा प्राप्त करने की आशा करते हैं, भगवान उनको अविद्या से बुद्धि के द्वारा बाहर निकालते हैं और उनको आध्यात्मिक मार्ग में प्रगतिशील करते हैं। तो इस प्रकार भगवान की सहायता से ही जीवात्मा भौतिक संसार में भी रहता है। अगला श्लोक। स्मरान विश्व सृजामीशो विज्ञापितम अधोक्षजा विराजम अत्पत स्वेन तेजस्यैषां विवृत्तये। नीतू माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। परम प्रभु, इस विराट जगत की रचना का कार्यभार संभालने वाले समस्त देवताओं के परमात्मा है। इस तरह देवताओं द्वारा प्रार्थना किए जाने पर उन्होंने मन में विचार किया और तब उनको समझाने के लिए अपना विराट रूप प्रकट किया। तात्पर्य, निर्वेशवादी लोग भगवान के विराट रूप के प्रति भी भ्रमित रहते हैं। वे सोचते हैं कि इस विराट अभिव्यक्ति के पीछे कल्पना का हाथ है, किंतु बुद्धिमान व्यक्ति कारण के हरे कृष्ण। ठीक है, तो यहाँ पर बताया जा रहा है किस प्रकार भगवान का ये विराट रूप की जो रचना है, ये सारे जो क्रियाएं भौतिक संसार में चलायमान हैं, उनको चलाने के लिए भगवान स्वयं का ही रूप है। तो सारे देवता यद्यपि अलग-अलग कार्यों में नियोजित हैं, लेकिन उनको चलाने वाले, उनको शक्ति प्रदान करने वाले, मार्गदर्शन करने वाले, ये भगवान अपने ही रूप में विस्तार करते हैं, जिसको विराट रूप बोला जाता है। प्रभुपाद बहुत सुंदर तात्पर्य के माध्यम से समझा रहे हैं। राहुल प्रभु पढ़िए तात्पर्य। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य, निर्विशेषवादी लोग भगवान के विराट रूप के प्रति विभ्रमित रहते हैं। वे सोचते हैं कि इस विराट अभिव्यक्ति के पीछे कल्पना का हाथ है, किंतु बुद्धिमान व्यक्ति कारण के महत्व का अनुमान परिणामों के चमत्कारों को देखकर लगा सकते हैं। उदाहरणार्थ, माता के गर्भ में मनुष्य शरीर का विकास स्वतंत्र रूप से नहीं होता, अपितु इसलिए होता है कि शरीर के भीतर जीव या आत्मा है। जीवात्मा के बिना कोई भी भौतिक शरीर स्वयमेव न तो आकार ग्रहण कर सकता है, न विकास कर सकता है। जब कोई भौतिक वस्तु विकास प्रदर्शित करती है, तो यह समझना चाहिए कि इस अभिव्यक्ति के भीतर आध्यात्मिक आत्मा विद्यमान है। इस विराट ब्रह्मांड धीरे धीरे यह विराट ब्रह्मांड धीरे धीरे विकसित हुआ है।
जिस तरह किसी शिशु का शरीर विकास करता है, अतः वह यह धारणा कि ब्रह्मांड के भीतर ब्रह्म प्रवेश करता है तर्कसंगत है। जिस तरह भौतिकतावादी लोग हृदय के भीतर आत्मा तथा परमात्मा नहीं ढूंढ पाते, उसी तरह पर्याप्त ज्ञान के अभाव में वे यह नहीं देख पाते कि परमात्मा ब्रह्मांड का कारण है। इसलिए वैदिक भाषा में भगवान को आवागन आवागन आवागम आवागमन सागोचर अर्थात शब्दों तथा मनो की धारणा से परे कहा गया है। अल्पज्ञान के कारण मानसिक चिंतक ब्रह्म शब्द को शब्दों तथा मनो की सीमा में बांधना चाहते हैं, किंतु भगवान इस तरह से नहीं जाने जा सकते। चिंतक के पास भगवान की अनंतता की माप जानने के लिए पर्याप्त शब्द या मन नहीं होता। भगवान अधोक्षज कहलाते हैं, जिसका अर्थ है ऐसा पुरुष जो हमारी इंद्रियों की कुंद सीमित शक्ति की अनुभूति से परे है। कोई व्यक्ति मानसिक चिंतन द्वारा भगवान के दिव्य नाम या रूप को नहीं देख सकता। संसारी पीएचडी करने वाले अपनी सीमित इंद्रियों से ब्रह्म के विषय में चिंतन कर पाने में बिल्कुल असमर्थ है। ऐसे गर्वित पीएचडी लोगों द्वारा किए जाने वाले प्रयत्नों की तुलना कूप मंडक के दर्शन से की जा सकती है। जब एक कूप मंडक को विशाल प्रशांत महासागर की जानकारी दी गई, तो वह प्रशांत महासागर की लंबाई चौड़ाई मापने या समझने के उद्देश्य से फूल फूल कर कुप्पा हो गया। अंत में इस मंडूक का शरीर फट गया और वह मर गया। पीएचडी की उपाधि की विवेचना हल कृषि विभाग से भी की जा सकती है। यह उपाधि धान के खेतों को जोतने वाले के निमित्त है। धान के खेतों को जोतने वालों द्वारा विराट जगत को तथा ऐसे अद्भुत कार्य के पीछे के कारण को समझने के प्रयास की तुलना उस कूपमंडक से की जा सकती है जो प्रशांत महासागर की लंबाई चौड़ाई की माप करने का प्रयास कर रहा था। भगवान केवल उसी व्यक्ति के समक्ष प्रकट होते हैं जो विनयशील होता है और उनकी दिव्य प्रेम भक्ति में लगा रहता है। विश्व के कार्य व्यापार के तत्वों तथा अव्ययों का नियंत्रण करने वाले देवता के प्रदर्शन के लिए भगवान से प्रार्थना की, अतः उन्होंने अपना विराट रूप प्रकट किया जैसा कि उन्होंने अर्जुन के अनुरोध पर किया था। हरे कृष्ण। जिस प्रकार एक शरीर का निर्माण माता के गर्भ में तभी होता है जब जीव उसमें प्रवेश करता है, उसी प्रकार ये भौतिक संसार का निर्माण विस्तार तभी होता है जब परमात्मा इसमें प्रवेश करते हैं। अब ये तथ्य को समझने के लिए कोई पीएचडी की आवश्यकता नहीं है। प्रभुपाद बता रहे हैं यहाँ एक मेंढक के बारे में। एक मेंढक जब कुएं का मेंढक जब अपने मित्र से सुनता है कि प्रशांत महासागर बहुत बड़ा है, तो वो बोलता है कि कितना बड़ा है, क्या ये कुएं से डबल है, क्या ये कुएं से चार गुना है। तो ये उनकी भौतिक सीमित ज्ञान है जो कुएं से ही प्रशांत सागर की माप करने की अवश्य वो तुलना करना चाहते हैं। तो उसी प्रकार हम भौतिक विचारों से भगवान के अस्तित्व को नहीं समझ सकते, चुनौती से भगवान के अस्तित्व को नहीं समझ सकते। प्रभुपाद बोल रहे हैं केवल विनयशीलता से ही भगवान को समझा जा सकता है। तो विनम्र भाव से, भक्ति के भाव से जब हम इन शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, भक्ति का पथ पर अग्रसर होते हैं, तब भगवान को हम समझ सकते हैं किस प्रकार भगवान अपने विस्तार से ही ये सारी प्रकृति को चलायमान रखते हैं। अथ तस्याभि तप्तस्य कतिधायतनानिह निराभिद्यन्त देवानां तानि मे गदतः श्रृणु। विनोद प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। मैत्रेय ने कहा, अब तुम मुझसे ये सुनो कि परमेश्वर ने अपना विराट रूप प्रकट करने के बाद किस तरह से अपने को देवताओं के विविध रूपों में विलक्त किया। हरे कृष्ण प्रभु। अब बताया जा रहा है कि किस प्रकार भगवान ने जो विराट रूप यानी कि भौतिक प्रकृति के रूप में अपने आप को विस्तार कर लिया है, अब उसके बाद अलग अलग देवताओं के रूप में कैसे प्रकट होंगे, ये भी अभी विस्तार से समझाया जाएगा। पिछले अध्याय में जस्ट सूक्ष्म में बताया कि देवता भी आए, लेकिन कैसे आए अभी आगे बताया जाएगा। रेखा माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा। देवता भी अन्य सारे जीवों की तरह परमेश्वर के वियुक्त हुए भी नाश है। देवताओं तथा सामान्य जीवों में केवल इतना ही अंतर है कि सारे जीव जो भगवान की भक्ति के पुण्य कर्मों से युक्त होते हैं और भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की उनकी इच्छा शमित हो जाती है, तो वे देवताओं के पद पर उन्नत कर दिए जाते हैं, जिन्हें भगवान विश्व के कार्य व्यापार की व्यवस्था करने का कार्यभार सौंपे हुए हैं। हरे कृष्ण। जीव ही हैं, लेकिन ऐसे जीव हैं जो अपने आप को सुधारना चाहते हैं, जो भगवत तत्व में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो भगवान उनको सेवा में संलग्न करते हैं।
तस्याग्निरासयम् निर्भिन्नम् लोकपालो विशत्पदम् वाचा स्वांसेन व्यक्तव्यम् ययासो प्रतिपद्यते। पायल माता जी पढ़िए। कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। उनके उनके मुख से अग्नि अथवा उष्मा विलग हो गई और भौतिक कार्य संभालने वाले सारे निदेशक अपने अपने पदों के अनुसार इस में प्रविष्ट हो गए और जीव उसी शक्ति से शब्दों के द्वारा अपने को अभिक व्यक्त करता है। तो सर्वप्रथम भगवान के मुख से अग्नि प्रकट हुई, अग्निदेव अग्नि प्रकट हुई भगवान के मुख से और सारी वस्तुएं उसी अग्नि के माध्यम से भगवान तक पहुंचती है और जीव अपने आप को बताने का अभिव्यक्त करने का मौका प्राप्त करता है मुख के माध्यम से। तो मुख के देवता को अग्नि बताया गया है कि किस प्रकार जीव जब बोलने के लिए प्रयास करता है शब्दों की उत्पत्ति भी मुख से हुई और भगवान के मुख से अग्नि की भी उत्पत्ति हुई। तो ये अग्नि आदिदेव बने उष्मा के, अग्नि के और शब्दों के, अपने आप को अभिव्यक्त करने के लिए जो शब्द हम उच्चारण करते हैं उनकी उत्पत्ति भी भगवान से मुख से हुई। तात्पर्य मुकुल प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम। भगवान के विराट रूप का मुख वाचा शक्ति का उद्गम है। अग्नि तत्व का निदेशक इसका नियंत्रक अथवा आदिदेव है। अभिव्यक्त वाणी या अध्यात्म या शारीरिक कार्य वाणियों की विषय वस्तु आधिभूत तत्व या भौतिक उत्पादन। तो जो वाक शक्ति है, जो बोलने की शक्ति है, उसकी उत्पत्ति भगवान के मुख से हुई और अग्निदेव को भगवान ने उसका नियंत्रक बनाया। निर्भिन्नम तालु वर्णो लोकपालो विशद्धरे जिह्वायं सेन चारसम ययासो प्रतिपद्यते। मधु माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। पहले तो अपनी तबीयत बताइए, अभी भी आवाज में आपके लग रहा है कि तबीयत ठीक नहीं आपके। हाँ, मुझे अभी एक हफ्ते से थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। आप कैसी हैं? सर्दी खांसी बची बन। ठीक है प्रभु, ध्यान रखो अपना पहले। हरे कृष्ण। जब विराट रूप का ताल्लुक पृथक प्रकट हुआ तो ग्रह मंडलों में वायु का निदेशक वरुण उसमें प्रविष्ट हुआ, जिससे जीव को अपने जीव से हर वस्तु का स्वाद लेने की सुविधा प्राप्त हुई। हरे कृष्ण। उसके बाद अभी मुख का काम बोलना है और मुख का काम स्वाद लेना भी है। तो दूसरा, भगवान की जिह्वा से, विराट रूप की जिह्वा से वरुण देव की प्राकट्य हुआ, जो वायु का भी निर्देशक करते हैं, वायु को भी संतुलित करते हैं, नियंत्रण करते हैं और जिह्वा में स्वाद का भी नियंत्रण करते हैं कि जिह्वा में जो स्वाद हम महसूस करते हैं किसी भी वस्तु का, उसकी उत्पत्ति भी विराट रूप से हुई। निर्भिन्ने अश्विनौना से विष्णुर आवीसताम पदम घ्राने नाम सेन गंधस्य प्रतिपत्तिर्यतो भवेत। यमुना माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। जब भगवान के दो नथुने प्रकट पृथक प्रकट हुए तो दोनों अश्विनी कुमार अनेक भीतर अपने अपने पदों पर प्रवेश कर गए। इसके फलस्वरूप जीव हर वस्तु की गंध सूंघ सकते हैं। हरे कृष्ण। इंद्रिय की सृष्टि हो रही है, भगवान के नथुनों से हमारी भी नाक की सृष्टि हुई और इन दो नथुनों के नियंत्रक देव बने अश्विनी कुमार। ये दो भाई देवता एक साथ हमेशा नाम उच्चारण होता है। ये अश्विनी कुमार नाक के नियंत्रक बने जिससे हम हर वस्तु का गंध ले सकते हैं। निर्भिन्ने अक्षिणी तुष्टा लोकपालो विशद विभु चक्षुषा संसेन रूपानां प्रतिपत्तिर्यतो भवेत। वीर प्रसाद प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जनरल प्रणाम। हरे कृष्ण जनरल प्रणाम।
तत्पश्चात श्री भगवान के विराट रूप की दो आंखें अलग से अभिव्यक्त हुई। प्रकाश का निदेशक सूर्य सृष्टि के आंशिक प्रतिनिधित्व के साथ उन्हें प्रविष्ट हुआ, जिससे जीव रूपों को देख सकते हैं। हरे कृष्ण। उसके बाद भगवान के विराट रूप से आंखों की सृष्टि हुई और उन आंखों का नियंत्रक भगवान ने सूर्य देव को सृष्टि करके बनाया। सूर्य देव हमारे दृष्टि के, हमारे आंखों के नियंत्रक बने। निर्वन्नानि यस्य चर्माणि लोकपालो निलो विशत् प्राणेनां सेन संस्पर्शं येन सौ प्रतिपद्यते। भूपेंद्र प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम। जब विराट रूप से त्वचा पृथक हुई तो वायु का निर्देशक देव अनिल आंशिक स्पर्श से प्रविष्ट हुआ, जिससे जीव स्पर्श का अनुभव कर सकते हैं। है वायु की सृष्टि जो हमने पहले भी पढ़ी थी। वायु के माध्यम से जीवन धारण हम लोग करते हैं, तो भगवान ने पवन देव, अनिल देव, उनकी सृष्टि की, उनको नियंत्रक बनाया वायु का, और उसी वायु के माध्यम से हम स्पर्श का अनुभव करते हैं। कर्णावस्य विनिर्भिन्नौ दृश्यन् स्वं विविशूर दिशा श्रोतेनांसेन शब्दस्य सिद्धिं येन प्रविपद्यते। शकुन माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। शिला प्रभुपाद की जय। जब विराट रूप के कारण प्रकट हुए तो सभी दिशाओं के नियंत्रक देव श्रवण तत्वों समेत उनमें प्रविष्ट हो गए, जिससे सारे जीव सुनते हैं और ध्वनि का लाभ उठाते हैं। हरे कृष्ण प्रभु। शिला प्रभुपाद की जय। कान जीव के शरीर का सबसे महत्वपूर्ण यंत्र है। ध्वनि दूरस्थ तथा अज्ञात वस्तुओं का संदेश ले जाने का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम है। समस्त ध्वनि या ज्ञान की सिद्धि कान से प्रवेश करती है और मनुष्य के जीवन की वो पूर्ण बनाती है। संपूर्ण वैदिक ज्ञान एकमात्र श्रवण करके ही प्राप्त किया जाता है। प्रभु जी थोड़ा ऊपर करिए। प्रवेश करती है और मनुष्य के जीवन को पूर्ण बनाती है। संपूर्ण वैदिक ज्ञान एकमात्र श्रवण करके ही प्राप्त किया जाता है। इस तरह ज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत ध्वनि है। हरे कृष्ण प्रभु। सबसे महत्वपूर्ण इंद्री बताई गई है वो है कान, ध्वनि, क्योंकि सोते हुए को जगाना है, ध्वनि के माध्यम से ही हम जगाते हैं। इसी प्रकार जीवात्मा जो भौतिक नींद में सोया हुआ है, उसको जगाने के लिए आध्यात्मिक ज्ञान कान के माध्यम से, कर्ण के माध्यम से ही प्रवेश करता है। इसलिए भगवान के विराट रूप ने कान को भी प्रकट किया और दिशाओं के नियंत्रक, मतलब दिक्पाल जो होते हैं अलग अलग दिशाओं के नियंत्रक, उनको ध्वनि का नियंत्रक देव देव बनाया, जिसके माध्यम से हम सुन पाते हैं। आगे त्वचाम अस्य विनिर्भिन्नम विविशीर्धिधिष्णयम् अंसेन रोमभि कंडुम यर आसौ प्रतिपद्यते। अनीता माता जी पढ़िए। प्रणाम। जब चमड़ी की पृथक अभिव्यक्ति हुई तो अपने विविध अंशों समेत। माता जी आप म्यूट हो गए, अनम्यूट करके पढ़िए। जब चमड़ी की पृथक अभिव्यक्ति हुई तो अपने विविध अंशों समेत संस्पर्श नियंत्रक देव उनमें प्रविष्ट हो गए। इस तरह जीवों को स्पर्श के कारण उस लाइट तथा प्रसन्नता का अनुभव होता है। हरे कृष्ण। तो जो हमारी त्वचा है, उस त्वचा के दो अंग हैं, एक स्पर्श, और वो स्पर्श के माध्यम से जो अनुभव होता है, चाहे वो कभी खुजलाहट हो, चाहे कभी प्रसन्नता हो, चाहे कभी उसमें दर्द हो, वो सारा जो अनुभव है चमड़ी का, वो चमड़ी का अनुभव भी भगवान ने अपने शक्ति से प्रकट किया और अपने अंशों के माध्यम से उसको नियंत्रक देव भी स्थापित किए, जिसके माध्यम से हमको चमड़ी में स्पर्श का अनुभव हो सके। तात्पर्य अमित प्रभु पढ़िए।
हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य, इंद्र व्योत के दो मुख्य अंग हैं, स्पर्श तथा खुजली। ये दोनों ही चमड़ी तथा शरीर के राव द्वारा नियंत्रित होते हैं। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती के अनुसार स्पर्श का नियंत्रक देव शरीर के भीतर चलने वाले वाला वायु है, और शरीर के रोमों का नियंत्रक देव औषध्य है। चमड़ी के लिए बोध का विषय स्पर्श है, और शरीर के रोग के लिए बोध का विषय खुजली है। हरे कृष्ण बाबू जी। प्रकार त्वचा के ऊपर जो रोम है और हमारे त्वचा का स्वयं का स्पर्श का जो अनुभव है वह भी भगवान ने उत्पन्न किया। मेदृणम तस्य विनिर्भिन्नम स्वाधिष्यम का उपावसित रेतासाम सेन येन स्व आनंदम प्रतिपद्यते। भूमिका माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जब विराट रूप में जन नांग पृथक हो गए तो आदि प्राणी प्रजापति अपने आंशिक वीर समेत उनमें प्रविष्ट हो गए और इस तरह जीव यौन आनंद का अनुभव कर सकते हैं। इस प्रकार फिर भगवान ने जो जननांग है जिनसे जो संतान उत्पत्ति की शुरुआत होती है उनको भी उत्पन्न किया और अपने शक्ति से प्रजापतियों को उसका नियंत्रक बनाया। गुदम पुंसो विनिर्भिन्नम मित्र लोकेश आविशत वायु नाम से नासो विसर्गम प्रतिपद्यते। अर्चना माता जी पढ़िए। हम फिर विसर्जन मार्ग पृथक हुआ और मित्र नामक निदेशक विसर्जन के आंशिक अंगों समेत उसमें प्रविष्ट हो गया। इस प्रकार जीव अपना मल मूत्र विसर्जित करने में सक्षम है। इस प्रकार फिर विसर्जन मार्ग जिससे हम रोज नित्य क्रिया करते हैं उसकी उत्पत्ति हुई। भगवान ने उसको भी मित्र नाम के जो देवता है उनको उसका नियंत्रक बनाया। हस्तावस्य विनिर्भिन्न इंद्र स्वपतिराविशत वर्ता यंसेन पुरुषो यया वृत्तिं प्रपद्यते। आयुष प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। तत्पश्चात जब विराट रूप के हाथ पृथक हुए तो स्वर्ग लोक का शासक इंद्र उनमें प्रविष्ट हुआ और इस तरह से जीव अपनी जीविका हेतु व्यापार चलाने में समर्थ है। उसके बाद विराट रूप ने हाथों का सृष्टि की। उन हाथों के माध्यम से हम कर्म करते हैं और उन हाथों के नियंत्रक देव को इंद्र को बनाया गया। पादावस्य विनिर्भिन्नौ लोकेश विष्णुराविशत गत्या स्वंसेन पुरुषो यया प्राप्यं प्रपद्यते। संजय प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तत्पश्चात विराट रूप के पांच पृथक रूप से प्रकट हुए और विष्णु नामक देवता भगवान नहीं ने उनमें आंशिक गति के साथ प्रवेश किया। इससे जीव को अपने गंतव्य तक जाने में सहायता मिलती है। हरे कृष्ण। इस प्रकार से फिर भगवान ने पैरों की सृष्टि की और उन पैरों की सृष्टि करके भगवान विष्णु अपने विस्तार को स्वयं करते हैं उनका नियंत्रक देवता के रूप में। बुद्धिम चास्य विनिर्भिन्नम वाग ईशोधिष्ययम आविशत बोधेनम सेन बोधव्यम प्रतिपत्तिर्यतो भवेत। मुकुल प्रभु पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। जब विराट रूप की बुद्धि पृथक रूप से प्रकट हुई तो वेदों के स्वामी ब्रह्मा बुद्धि की आंशिक शक्ति के साथ उसमें प्रविष्ट हुए और इस तरह जीवों द्वारा बुद्धि के ध्येय का अनुभव किया जाता। फिर भगवान अभी सूक्ष्म वस्तुओं में जा रहे हैं। अभी इंद्रियों की सृष्टि हो गई है, अभी बुद्धि की सृष्टि भगवान करते हैं और ब्रह्मा को उसका नियंत्रक देवता बनाते हैं। हृदयम चास्य निर्भिन्नम चंद्रमा धीसयन आविशत मनसा समसेन येन असौ विक्रियम प्रतिपद्यते। यामिनी माता जी पढ़िए। इसके बाद विराट रूप का हृदय पृथक रूप से प्रकट हुआ और इसमें चंद्र देवता अपनी आंशिक मानसिक क्रिया समेत प्रवेश कर गए। इस तरह जीव मानसिक चिंतन कर सकता है। तो बुद्धि की सृष्टि हुई, उसके बाद मन,
मन की सृष्टि हुई जो सारी इंद्रियों को अपने विचारों से नियंत्रण करता है। मन की उत्पत्ति हुई और इस मन के नियंत्रक देवता चंद्रमा को बनाया। इसलिए हम देखते हैं कई बार पूर्णिमा को अमावस्या को ज्यादा लोगों के मन में ज्यादा उनके मन में उथल पुथल होती है और कई लोग पूर्णिमासी पे ही थोड़ा पागलपन का अनुभव करते हैं क्योंकि मन वास्तव में चंद्रमा से संतुलित होता है। चंद्रमा का घटना बढ़ना मन के ऊपर काफी अपना प्रभाव डालता है। आत्मानं चास निर्भिन्नं अभिमानो विशत्पदं कर्मानं सेन येन असौ कर्तव्यं प्रतिपद्यते। राहुल प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम। तत्पश्चात विराट रूप का भौतिकतावादी अहंकार पृथक रूप से प्रकट हुआ और इसमें मिथ्या अहंकार के नियंत्रक रुद्र ने अपनी निजी आंशिक क्रियाओं समेत प्रवेश किया जिससे जीव अपना लक्षित कर्तव्य पूरा करता है। तात्पर्य भौतिकतावादी स्वरूप या मिथ्या अहंकार शिव जी के अवतार रुद्र देवता द्वारा नियंत्रित होता है। रुद्र भगवान के अवतार है जो भौतिक प्रकृति के अंतर्गत तमोगुण का नियंत्रण करते हैं। मिथ्या अहंकार की क्रियाएं शरीर तथा मन के लक्ष्य पर आधारित होती है। मिथ्या अहंकार द्वारा नियंत्रित अधिकांश व्यक्ति शिवजी द्वारा नियंत्रित होते हैं। जब मनुष्य अज्ञान के सूक्ष्म रूप तक पहुंच जाता है तो वह भ्रमवश अपने को परमेश्वर मानने लगता है। बद्ध आत्मा की अंधकार में धारणा उस भ्रामिक माया का अंतिम पाश है जो संपूर्ण भौतिक जगत को नियंत्रित करती है। हरे कृष्ण। उस प्रकार फिर अंतिम वस्तु मिथ्या अहंकार की उत्पत्ति भगवान करते हैं और भगवान शिव के अंश रुद्र को उसका नियंत्रक देवता बनाते हैं। सत्वम चास्य विनिर्भिन्नम महान दृश्यन उपाविशत चेतनाम अंशेन येनासौ विज्ञानम प्रतिपद्यते। तो अभी इन सब वस्तुओं को चलाने के लिए तो चेतना चाहिए तो उस चेतना की उत्पत्ति हो रही है। हरिप्रिया माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत। तत्पश्चात जब विराट रूप से उसकी चेतना प्रकट होकर प्रकट हुई तो पृथक होकर प्रकट हुई तो समग्र शक्ति अर्थात महत्व तत्व अपने चेतन अंग समेत प्रवेश हुआ। इस तरह जीव विशिष्ट ज्ञान को अवधारण करने में समर्थ होता है। उत्पत्ति के माध्यम से सारी इंद्रियों का क्रियाशीलता शुरू होती है। शीष्णोस्याध्ययुर्धरा पादभ्यं खम्नाभेर उपपद्यत गुणानां वृतयो येषु प्रतियन्ते सुरादया। आयुष प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम। तत्पश्चात विराट रूप के सिर से स्वर्गलोक उसके पैरों से पृथ्वीलोक तथा उसकी नाभि से आकाश पृथक पृथक प्रकट हुए। इनके भीतर भौतिक प्रकृति के तीन गुणों के रूप में देवता इत्यादि भी प्रकट हुए। ने अपने सिर के भाग से स्वर्गलोक इत्यादि यानी कि उच्च लोक, अपने पैरों से पृथ्वीलोक इत्यादि और नाभि से आकाश इत्यादि प्रकट किए और सभी को नियंत्रण करने के लिए अलग अलग गुणों के अनुसार देवताओं को भी प्रकट किया। उसके आगे हम देखेंगे किस प्रकार तीन गुणों के प्रभाव से अलग अलग देवताओं की स्थिति है। हम लोग कल श्लोक संख्या 28 से आगे देखेंगे। हरे कृष्ण ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। तो ये सत्र पढ़ने के बाद एक चेतना हमारी ठीक जो होनी चाहिए, हम जो भी वस्तु को देखें, अपने हाथों को देखें, पैरों को देखें, अपने आप को आईने में देखें, चाहे प्रकृति को देखें, आकाश को देखें, अच्छी सुगंध हमें आती है, त्वचा को कभी अच्छा लगता है, सारी वस्तुओं में हमें क्या ध्यान करना चाहिए कि देखो भगवान की सृष्टि उनसे आई है, ये सारी वस्तुएं भगवान से आई है, तो हर वस्तु से हमको भगवान का स्मरण हो सकता है। तो इतने डिटेल में भागवत में ये क्यों बताया गया है, जिससे हमारी चेतना और ज्यादा कृष्ण की ओर अग्रसर हो। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय। समवेत भक्तवृंद की जय।